काचो बहुत आराम से आना सर बचा के। हाँ ये सर ही बचाना है इसके अंदर बहुत आराम से। यार कहीं से ना कोई नागराज कोई रसल वाइपर कुछ ऐसा ना निकल जाए बस। सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज हम आ चुके हैं कहाँ पर, भीम बेट का। जी हाँ, जहाँ पर बहुत सारे रॉक शेल्टर बने हुए हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि इंडिया में भारत में सबसे पहले आदि मानव हुआ करते थे। और आपको एक एक करके रॉक शेल्टर दिखाएंगे, 15 रॉक शेल्टर हैं, रास्ते भी दिखाएंगे। असल में क्या है, अगर आप मध्य प्रदेश आ रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू कम टू भोपाल, सो भोपाल स्टेशन से लगभग 46 या 47 किलोमीटर की दूरी पर है ये भीम बेट का। बहुत आसानी से आप जा सकते हैं, नेटवर्क वगैरह भी आएंगे तो गूगल मैप की भी कोई चिंता मत करिएगा। और अभी जो मैं हूँ भीम बेट का, मैं हूँ भीम बेट का आपका जो रॉक शेल्टर है वहीं पर हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरू से। बेट का के रास्ते में चलते हुए अब आया है ये एक टिकट काउंटर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या टिकट हैं, किस किस वाहन के लिए कितने कितने व्यक्ति अलाउ हैं। यहाँ पर एक फाटक लगा हुआ है, ये फाटक जब भी खुलेगा जब हम टिकट कटा लेंगे। फाइनली वी गॉट टिकट, ये टिकट है यहाँ पर है ना, 50 रुपीज़ का टिकट है। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, मैं आपको देना चाहूँगा भीम बेट का जो है इसमें एंटर होने से पहले, कि ये जो है ना राता पानी जो सेंचुरी है उसी के अंडर आता है। यहाँ पर सूचना भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो व्यू है, व्यू तो बहुत ही प्यारा है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है सारी तरफ, क्योंकि बरसात का मौसम है तो बार बार रुक कर यार इस ग्रीनरी का ना थोड़ा सा मज़ा लेने का थोड़ा दिल करता है। शहर के शोर से दूर आ गए इन पहाड़ों की शांति में, चलते हैं भाई पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो ग्रीनरी है ना यार, और ये मिट्टी जो है मिलकर जो खुशबू आती है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ग्रीनरी और पहाड़ों का जो ये मिक्सचर है ना, बहुत ही शानदार है, बहुत बहुत शानदार। बस यार चलते चलते एक इतना अच्छा व्यू मिला, सोचा कि रुक कर आपको दिखा देता हूँ और थोड़ी सी फोटोग्राफी भी कर लेते हैं। देखो अभी मैं कैमरा फ्लिप करने वाला हूँ, ये देखो बहुत ही अच्छा व्यू है। और यहाँ पर प्रॉपर आप रुक भी सकते हैं, मैंने पूछ भी लिया है जहाँ से मैंने टिकट कटाया था कि यार कोई जंगली जानवर वगैरह का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो काफ़ी अच्छा व्यू है यार, यहाँ पर आप पत्थरों पर खड़े होकर ना अच्छे से फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। और नीचे भाई काफ़ी बड़ी खाई है और ये मैडम यहाँ बैठी हुई है, इन्हें भी ना फोटोग्राफी कराने का काफ़ी अच्छा शौक है। ये देखो ये किस लोकेशन पर बैठे हैं, गिर मत जाना बेटा। वो कहते हैं ना मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो यार सफ़र का होता है, वही बात यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब थोड़ा धूप निकल गई है, अभी तक तो था घटा हो रही थी, और यहाँ बारिश भी बहुत जल्दी जल्दी पड़ती रहती है। ये दोनों बैठे हैं यहाँ पर ऑब्वियसली बात है फ़ोटो खिंचाने के लिए। बस यार यहाँ से तो जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अभी थोड़ा और 1.5-2 किलोमीटर ऊपर जाना है। सो गाइस फाइनली रीच्ड भीम बेट का, और यहाँ पर कितने 15 रॉक शेल्टर्स हैं ना, 15 रॉक शेल्टर्स हैं। विल ट्राई कि आपको सभी दिखाएं, एक्सप्लोर करेंगे सब चीज़ें। ये दोस्तों एंट्री गेट है, और थ्रू दिस गेट आप सारे के सारे जो रॉक शेल्टर हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बेसिकली भीम बेट का इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। और ये यहाँ पर इन्होंने क्या जितने भी है ना 15 के 15 रॉक शेल्टर्स, उनका एक मैप भी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आपको ईजी हो एक्सप्लोर करना। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में कि भीम बेट का के बारे में क्यों है ऐसा ना, मैं आपको इसकी एक बता देता हूँ हिस्ट्री। इसके हिस्ट्री में क्या है कि पहले ऐसा बोला जाता था कि जो आदि मानव थे वो सबसे पहले अफ्रीका में मिले थे, लेकिन फिर एक्सप्लोर किया गया भीम बेटका को एंड देन वी फाउंड दैट कि ये जो भीम बेटका है सबसे पहले हमारे यहाँ आदि मानव मिले। और यहाँ पर एक मौजूदा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि कब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, देख सकते हो भीम बेटका रॉक शेल्टर कॉम्प्लेक्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को इन 2003 गाइस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। चलते हैं, चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। थोड़ी सी चढ़ाई है, और हाँ भाई ऑब्वियस ही बात है क्योंकि पहाड़ हैं, सब रॉक्स हैं, तो पहाड़ी इलाका तो है ही, सारे में ग्रीनरी है। ऑल्दो यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा स्नेक्स वगैरह का खतरा हो सकता है, सांप वगैरह आ सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात होती रहती है, तो ये जो सरीसृप वगैरह होते हैं ये सब लोग अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। सो दीज आर दी फर्स्ट रॉक शेल्टर्स जो कि केवल एंट्रेंस पर ही मिले हैं। एक तो ये है हमारा, इसके अंदर भी चलेंगे ऑब्वियसली दिखाएंगे, एक ये वाला रॉक शेल्टर है और एक ये वाला है, तो 3 तो हमें यहीं दिख गए आउट ऑफ 15। अंदर चल के दिखाऊंगा। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर ना कुछ चित्र कलाकारी भी इन रॉक शेल्टर्स पर बनी हुई है, तो वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए ये है, ये चट्टानों को काट कर बनाया हुआ है, ये ऑब्वियस ही बात है ये इनके फैमिली हेड होंगे, और ये यहाँ पर
एक महिला है और उनका बच्चा है। अभी कपड़े वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है इसी तरह से आदि मानव जो थे कपड़े वगैरह रखते थे। और इसका जो मैं बता देता हूँ, ये 3 मीटर से यहाँ से दिखाई दे रहा है, 3 मीटर गहरा है। और यहाँ पर इसका देखो शोलाशिया क्रमांक 1, ये 1 नंबर का रॉक शेल्टर है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। पर इसको एक्सप्लोर किया जाए ना बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप एक हिस्ट्री मतलब जिज्ञासु हैं, इतिहास को जानने के लिए जिज्ञासु हैं, तो ये जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। दोस्तों चलते हैं जो हमारा रॉक शेल्टर नंबर 2 है उसकी तरफ। ये है सबसे बड़े, इसके बारे में हिस्ट्री सबके बारे में अलग अलग है। देखो ये जो रॉक शेल्टर है इसकी ऊंचाई जो है लगभग 5 मीटर के आसपास है और 46 आकृतियाँ इसके अंदर बनी हुई हैं। और देखो भाई देखो, ये पूरा का पूरा रॉक शेल्टर बहुत ही शानदार है। और थोड़ा सा देख कर जाना पड़ेगा मुझे भी नीचे, कहीं वीडियो तो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, हो सकता है कहीं नीचे वीचे ना गिर जाऊँ। यहाँ देखते हैं इस एरिया में क्या है। बोल तो इस एरिया में कोई आकृति तो बनी भी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स रॉक शेल्टर नंबर 3, जो 3 नंबर का रॉक शेल्टर है हमारा, ये है। और इसकी हम देखेंगे इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में क्या है। ये रहा रॉक शेल्टर। स्थानीय लोगों इसे हाथी दरवाज़ा भी कहते हैं, इसको हाथी दरवाज़ा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हाथी के आकार का ये गुफा है। ये गुफा लगभग 39 मीटर लंबी है। बता दूँ ये गुफा जो है 39 मीटर लंबी है और 4 मीटर चौड़ी है, और इसकी जो ऊँचाई है वो भाई 17 मीटर तक है। बहुत ही शानदार। ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैन मेड ही है और लकड़ी का बना हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। और ये भी एक छोटी सी गुफा है, वाह ये काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है भाई, जस्ट वाह। यहाँ आवाज़ जो आ रही है ये किसकी आ रही होगी, चमगादड़ों की आ रही होगी ऑब्वियस सी बात है। चलो मुड़ते हैं रॉक पेंटिंग्स की तरफ। यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स हैं और यहाँ पर ये हैं प्याले, अमृत प्याले। रॉक पेंटिंग्स देखेंगे, रॉक पेंटिंग्स किस तरह की है। देखो ये रही भाई रॉक पेंटिंग्स, यहाँ पर हिरन जैसी आकृति बनी हुई है, उधर भी देखो उधर एक हाथ बना हुआ है, और यहाँ भी कुछ आकृति वगैरह बनी हुई है। ऑल दो ये थोड़ी सी फेड हो चुकी है, लेकिन जो ये आकृति बनाई हुई है ये सब आदि मानव जो है उन्होंने बनाई हुई है। और ये सब वही लोग बनाते थे जिनके आसपास वो चीज़ें देखते थे, जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ शस्त्र जैसा बना हुआ है, जैसा त्रिशूल सा होता है, एक ऐसा शस्त्र बना हुआ है। और अच्छा एक बात देखी तुमने, जैसे रेड कलर इन्होंने यूज किया हुआ है, तो मतलब कितना अच्छा वो रेड कलर होगा नेचुरली, वैसे ही अभी तक फेड नहीं हुआ जो, बहुत अच्छी बात है। और वो जो बात थी वो मैंने बिल्कुल सही बोली कि भाई आजकल तो स्मार्ट बोर्ड और टेक्नोलॉजी का यूज़ है, लेकिन जो पहले के लोग होते थे वो अपने बच्चों को इसी तरह से पढ़ाया करते थे कि बेटा एक इस तरह से होता है हमारा, हिरन होता है, हाथी होता है, ये हमारे शस्त्र अस्त्र होते हैं, इनसे दूर रहना है, और इनके पास जिनसे दूर रहना और जिनके पास जाना है वो सब उनको बताया करते थे। ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं कहाँ किस जंगल में आ गए, मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, वो लोग कहाँ ही रहते थे यार। ये दीज आर दी अनदर रॉक शेल्टर। ये जो है ना, ये जो रॉक शेल्टर भी हम एक्सप्लोर करके आए हैं, जिसको हाथी दरवाज़ा भी कहा जाता है, ये उसके पीछे का हिस्सा है। ये देखो बहुत ही बढ़िया और कितना ही बड़ा है भाई, काफ़ी बड़ा है। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं, थोड़े और जो रॉक शेल्टर्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। हमारी मैडम है हर्षिता, वो वहाँ पर उनकी गोदी में है, इसको भी गोदी चाहिए भाई बिल्कुल। और अभी चलना नहीं आता, थोड़ा खाती पीती भी नहीं है, जब खाने पीने लगेगी चलने लगेगी तो हमसे आगे आगे भागा करेगी। और फ्रेंड्स आप सुन सकते हैं बादलों के गरजने की आवाज़, हालांकि यहाँ पर धूप निकली हुई है लेकिन कहीं कहीं बादल भी है। पता नहीं कैमरे इसमें आ भी रहा होगा, इसके माइक में आ रही, आई होप आ रहा हो, गरज रहे हैं और धूप भी निकल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बारिश हुई है, और जिसकी वजह से यहाँ पत्थरों पे भी काई लग गई है। और इस ग्रीनरी ने मन मोह लिया है। और भाई हमें थोड़ा सा चलने के बाद में मिल गया है अपना जू रॉक नंबर 4। 3 हमने कवर कर लिए हैं, चौथा है ये, और हर्षिता की मस्ती जारी है उसके पापा के साथ। और इस जो ये रॉक शेल्टर है इसको जंतु शैलाश्रय यानी कि जू रॉक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जंतुओं के पिक्चर्स बनी हुई हैं, इसलिए इसको जू रॉक शेल्टर बोला जा रहा है। थोड़ी सी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
आप देख सकते हैं इसमें ये जो रॉक शेल्टर है इसकी ऊंचाई 3.4 मीटर है। हाँ, और इसका तरफ का जो क्षेत्रफल है वो 14 मीटर और इसकी गहराई जो है वो 6.2 मीटर है। और इस रॉक शेल्टर में 453,453 जो है वो पिक्चर्स बनी हुई हैं, उसमें 252 जानवर क्या करती हैं और 90 जो है मानव करती हैं। और कुछ बनी हुई हैं इसमें चिड़िया मुर्गा वगैरह, ठीक है, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। और ये रहे भाई जानवर जो आदि मानवों ने बनाए हैं जिनके पिक्चर्स। ये जो बड़े दांत वाले हाथी होते थे ना, जो आगे की तरफ, आई होप आप देख सकते होंगे, वो सब जगह व्हाइट कलर से इन्होंने ये बनाए हैं। हाथी, हिरन बने हुए हैं, है ना, हिरन काफी हैं इस वाली कैमरा, इस वाली सॉरी रॉक शेल्टर में हिरन काफी। देखिए मैंने थोड़ा सा और जूम कर दिया है, कैमरा जस्टिफाई कर रहा हो आई होप। अच्छा, व्हाइट कलर से भी है और रेड कलर से भी है, रेड कलर से भी है। नीचे की तरफ कुछ आदमी भी बने हुए हैं। हाँ, जो मतलब जंतु हैं तो भाई वो व्हाइट कलर से बनाए हैं, और लेकिन जो मानवा करती हैं ह्यूमन पिक्चर्स हैं तो उनको रेड कलर से बनाया गया है। एंड फ्रेंड, दिस इज़ द रॉक शेल्टर नंबर 5 और इसमें 2 शैल हैं, एक के ऊपर एक, और दोनों में जो हैं चित्र बनाए गए हैं सफ़ेद और लाल गेरुए रंग के बनाए गए हैं। और इसमें बकरी, हिरन, अन्य जानवरों के चित्रण हैं। पेड़ पर चढ़ा हुआ लंगूर भी इसमें सुंदर बहुत ही उसकी आकृति बनाई गई है। चलिए देखते हैं कैसा बनाया गया है। चलिए भाई इधर से चलते हैं, देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं ना, व्यू पॉइंट यहाँ पर आप देखो कि कछुए जैसा एक ये शेल्टर है या पहाड़ है, जो भी कुछ है, रॉक है। देखो बिल्कुल, मतलब पूंछ भी है और इस तरह से निकला हुआ इसका चेहरा भी है, और ऊपर जो इसका शेल्टर होता है ना कछुए का, वो भी है। यार गजब किया करती है भाई। चलो बढ़ते हैं अब रॉक शेल्टर नंबर 8 की तरफ। आगे रास्ता है, इसी से जाना है रॉक शेल्टर नंबर 8। 6-7 शायद बीच में कहीं पड़ेंगे। और व्यू पॉइंट देख लिया, ये आ रहे हैं पीछे मैडम हर्षिता और हमारी मैडम। और इधर से भाई आराम से आना, कि काफ़ी स्टीप है ना, और हरियाली तो है यार, बढ़िया है। बस मुझे डर पता है एक बात का है कि यार कहीं से ना कोई नागराज, कोई रसल वाइपर, कुछ ऐसा ना निकल जाए, बस बाकी सब तो ठीक ही है। तो यहाँ है रॉक शेल्टर नंबर 8 और यही है, दिस इज़ अ वेरी गुड शेल्टर यार, जो अब तक देखी है ना, जो अब तक देखा है सबसे बढ़िया शेल्टर मुझे ये लगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ना एक ऐसा बेड जैसा वो बना रखा है इन्होंने लेटने के लिए, पूरा प्रॉपर है अच्छे तरीके से। और इसमें चलते हैं, हो सकता है भाई लेटते भी हो, क्यों नहीं लेट सकते, क्योंकि जब हम सोते हैं तो वो नहीं सोते होंगे। ये देखो, आओ आपकी हेल्प करते हैं, आइए, क्योंकि काफ़ी स्टीप है तो बहुत आराम से आना, ठीक है। सो दिस इज़ द रॉक शेल्टर नंबर 8। इसके बारे में एक तो सबसे अच्छी बात है कि हर एक शेल्टर की ना एक अपनी स्पेशलाइजेशन है, जो कि यहाँ पर इस तरह से लिखी हुई है। मेन ये क्या है, शेल्टर हैज़ अ मेन चैम्बर एंड अ स्मॉल सेल ऑन द वेस्ट फेस ऑफ द रॉक, ठीक है, इस तरीके से। और काफ़ी अच्छा बना हुआ यार, यहाँ देखो ये रहा, धूप से बारिशों से बचने के लिए। और एक ये है, इसके अंदर शेल्टर बनाया हुआ है। ये देखो भाई, ये शेल्टर ना एक तरह का गुफा नुमा ही है, जिसके 2 मुंह हैं, एक वोरा और एक वोरा। और ये देखो कितना लंबा और कितना बड़ा है भाई। ये रहा द वे टू गो फॉर रॉक शेल्टर नंबर 9। और इसके लिए यार हमें यहाँ से एंटर होना पड़ेगा और थोड़ा नीचे झुक के जाना पड़ेगा, और मैं थोड़ा हर्षिता को भी बहुत आराम से लेकर आऊँगा इधर। हाँ चलो, बहुत आराम से आना, सर बचा के। हाँ, ये सर ही बचाना है इसके अंदर, बहुत आराम से। ऐसा लग रहा है दर्शन के लिए, शिव दर्शन के लिए किसी गुफा से निकले। और ही इज़ ऑल अबाउट रॉक शेल्टर नंबर 9। द ईस्ट फेसिंग शेल्टर हैज़ वेरी लेस डेप्थ विद 1 स्मॉल नैरो चैम्बर ऑन द लेफ्ट। देख सकते हो, दिस इज द रॉक शेल्टर 9। अरे यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पर एक बहुत अच्छा शानदार घोड़ा भी बना हुआ है।
ये मैंने पहली बार देखा। देखो अगर आप लोगों को दिख रहा है कैमरे के अंदर, ये तो कॉमन है, जो लंबे दांत वाले हाथी और मतलब ऊपर की तरफ मुड़े हुए दांत होते थे उनके, वो तो काफ़ी हैं। लेकिन यहाँ मैंने एक अलग चीज़ देखी, बहुत अच्छा घोड़ा भी इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी कुछ है समझ में आ रहा है? हाँ मतलब काफ़ी थोड़ा धुंधला पड़ गया है ना इस वजह से। और यहाँ से ये पानी रिस रहा है कहीं से तो यहीं से आ रहा है पानी। एंड इज अनदर शेल्टर नंबर 10। मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स इन दिस शेल्टर आर नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई। पीकॉक और पीफुल पेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल। छिया वो इसलिए होगा क्योंकि यार अब ना थोड़ा सा धुंधले पड़ गए हैं सभी जो आकृतियाँ हैं। ये शेल्टर नंबर 10 है और ये है रास्ता रोक शेल्टर नंबर 12 का। रॉक शेल्टर नंबर 12। यस और ये आप देख सकते हैं ये रॉक्स आगे है जो 12 नंबर। थोड़ा सा धीरे से जाना होगा सर बचा के लिए। कितना स्टीप है ये। और हम पहुंच चुके हैं रॉक शेल्टर नंबर 12। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, देख सकते हैं आप ये इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अभी ये रॉक शेल्टर नंबर जो 12 है इस पर बनी हुई आकृतियों की बात करें तो भाई यहाँ पर कुछ आकृति हैं। आई डोंट थिंक ये कैमरा इसको देख पा रहा है, देख पा रहा, लेकिन यहाँ देखो कुछ गायें टाइप बना हुआ है ना। और हाँ बड़े बड़े सींग हैं और उधर हिरन भी हैं भाई, है ना। तो काफ़ी बनी हुई हैं चीज़ें। और यार ये सोचने वाली बात है लोगों ने कैसे बनाया होगा उन लोगों ने ना, यहाँ पर देखो और इस तरीके से जाकर उन्होंने चीज़ें बनाई हैं यार। दिस इज़ द वे टू रॉक शेल्टर नंबर 11। सॉरी ये तो 15 है ना, रॉक शेल्टर नंबर 15। इधर इसलिए दिक्कत नहीं होती होगी, अब जैसे जैसे टाइम तो थोड़ा सा कभी भूकंप की वजह से हाँ तो इधर उधर पहाड़ थोड़े खिसकते रहते हैं। हाँ तो आराम से आना यहाँ पर चढ़कर, काफ़ी स्टीप है ये। दिस इज ऑल अबाउट दी रॉक शेल्टर नंबर 13। ठीक है लगभग सभी दिखा दिए आपको रॉक शेल्टर नंबर 13। और बात करें इस पर बनी हुई जो आकृति हैं सारी पड़ गई हैं, देखना चाहो तो देखो बहुत मतलब यहाँ पर ये वो बना हुआ है ना, ये रहा वो देखो, यहाँ मेरी अभी उंगली थी वहाँ पर कुछ हिरन जैसी आकृति बनी हुई है। काफ़ी सारी आकृति हैं यहाँ पर वैसे तो, लेकिन धूल वगैरह इतनी चढ़ गई है यार कि अब आकृतियों को देखना ना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड देर इज़ अनदर वे फॉर दी अनदर शेल्टर और देखते हैं अभी कब कौन सा शेल्टर है यहाँ पर, जल्दी जल्दी दिखाते हैं आपको वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके रॉक शेल्टर नंबर 14। अभी 13 देखा हमने, दिस इज़ द 14 और ये लगभग 6 मीटर ऊंचा है। एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य इसके अंदर दिखाया है। अब वो देखने की कोशिश करते हैं अभी कहाँ पर है, पहले मुझे देखने दो। और वो जो मरा हुआ सुअर जो लोग ले जा रहे हैं ना यार, वो मुझे तो दिखाई नहीं दिया। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, हो सकता है कि क्योंकि आंधी तूफान चलते हैं, काफ़ी बारिश पड़ती है तो जो शेल्टर्स हैं ना, ये जो रॉक्स हैं उन पर थोड़ा सा धूल जमा हो जाती है तो इस वजह से ना दिखाई दे रहा हो, बट देखते हैं कुछ मिलता है तो। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज द रॉक शेल्टर नंबर 15। एंड आई थिंक वी आर जस्ट अबाउट टू रीच, ये हमारा रॉक शेल्टर नंबर 15 है जो कि एक लास्ट शेल्टर है, उसके बाद वहाँ पर लिखा हुआ है भाई नो एंट्री। ठीक है ये देखो रॉक शेल्टर नंबर 15 काफ़ी बड़ी एक आकृति और कितनी ऊंचाई पर जाकर बनाई हुई है, मतलब मुझे तो लगता नहीं कि मैं छत पे चढ़ भी पाऊँगा या नहीं। तो चढ़कर आकृति बनाने की तो बात दो, देखो कितनी बड़ी एक आकृति वहाँ बनाई हुई है। समझ तो नहीं आ रहा, लग रहा है कोई शायद यही कोई ऐसा एक मतलब कोई आकृति समझने की कोशिश करता हूँ। जंगली सुअर वरा, अच्छा यही वो है जंगली सुअर जो मैं कह रहा था कि वहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो 13 या 14। अच्छा तो ये ऐसे पलट के होगा 15, ये है बोर रॉक। और ये जो रॉक शेल्टर नंबर 15 है ना, इसकी एक बहुत ही अच्छी खास बात है, जैसे आपने कोई मशरूम देखा होगा ना जिसकी सब्जी वगैरह भी बनती है, जो मशरूम उगता है, ये उसी मशरूम के आकार का शेल्टर है, रॉक है। अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा, जो पीछे जाकर कैमरे को देखो है नहीं बिल्कुल ऐसी बना हुआ।
बढ़िया यार, मतलब अच्छा है धूप और बारिश से भी बचने के लिए, और एक अलग आकृति भी इसको मिल गई है। और ये देखो, ये रोने के लिए तैयार, सोने के लिए तैयार, पता नहीं रो रही है या हंस रही है, क्या कर रही है। अच्छा अब रोई है। चलो भाई चलो चलते हैं हर्षिता। एंड गाइस दिस इज गोना बी योर रॉक शेल्टर नंबर 6। दिस इज स्मॉल नैरो शेल्टर फेसिंग ईस्ट, कंटेन्स ब्यूटीफुली डिपोजिटेड नेचुरली लुकिंग एनिमल ड्रॉइंग्स इन वाइट कलर। सो ये है, यहाँ देखो भाई, हो सकता है कि थोड़ा सा इनका व्यू थोड़ा अच्छा ना रहा हो, लेकिन ये लोग क्या है, ये मुझे लगता है थोड़ा एकता का भी प्रतीक है कि सब लोग एक साथ हैं और एक साथ होकर कुछ युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई शस्त्र बना रहा, किसी के हाथ में शस्त्र है, और एनिमल्स वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो गाइस फाइनली वी आर डन विद ऑल दी शेल्टर्स, सभी 15 शेल्टर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। कोशिश करिए कि आपको अच्छे से दिखा पाएँ, समझा पाएँ। और अभी जो है घर की तरफ बढ़ रहे हैं, चलते हैं। हर्षिता भी थोड़ा परेशान करने लगी है, हो सकता है इसको नींद आ रही हो या भूख लग रही हो, क्या करें, छोटा बच्चा है, बता भी नहीं सकता, बस रो ही सकता है। तो इसलिए नाउ हेडिंग बैक टू द होम। थैंक यू।